गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास की SST का जो फोर्थ लेसन चल रहा है हमारा, द दिल्ली सल्तनत, उसको कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सैयद डायनेस्टी के बारे में, जो हमारी जो दिल्ली सल्तनत की जो चौथी डायनेस्टी थी, फोर्थ डायनेस्टी थी, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। जो लोधी डायनेस्टी है वो दिल्ली सल्तनत है उसकी फिफ्थवीं डायनेस्टी है। और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 डायनेस्टी है जिन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड पे रूल किया था। जो हमारी लोधी डायनेस्टी है वो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है। तो इस हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में, कि जो लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर हुआ है वो हुआ है बहलोल लोधी, जिसने 1451 से 1489 के बीच में यहाँ पे रूल किया था। और ये उस टाइम पे बहलोल लोधी जब सैयद डायनेस्टी थी तो उस टाइम में ही उसके जो कोर्ट था उसमें उसका जो राजा हुआ करता था, उसका जो रूलर था, सुल्तान था, उसके साथ ही काम करता था। उसकी जो कमजोरी को देखते हुए बहलोल लोधी ने उसकी हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत में एक अलग से न्यू डायनेस्टी की स्थापना की, वो थी लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो हुआ बहलोल लोधी। तो हम कहेंगे कि बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी। उसने अपने टाइम पे पंजाब टू वेस्टर्न बिहार, पंजाब से बिहार तक का जो पूरा एरिया था, लगभग पंजाब से वेस्टर्न बिहार का जो लगभग जो भारत का जो बहुत अधिक एरिया उसने अपने अंडर में कर लिया था। अब देखते हैं कि जो बहलोल लोधी है उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी, जो बहलोल लोधी का बेटा है सिकंदर लोधी, उसने रूल किया किसकी डेथ के बाद? बहलोल लोधी की डेथ के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी जो लोधी डायनेस्टी है उसके ऊपर राजा, मतलब उसके ऊपर रूल करने लगा, नया राजा बन गया। द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द लोधी डायनेस्टी वाज सिकंदर लोधी। जो सिकंदर लोधी है वो लोधी डायनेस्टी है उसका सबसे पावरफुल राजा हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ बहलोल लोधी। जो बहलोल लोधी का बेटा था, मतलब जो बहलोल लोधी का बेटा था और उसकी मरने के बाद में उसकी गद्दी पर बैठा था। बहलोल लोधी ने एक डायनेस्टी की स्थापना की और उसके बाद में उसका बेटा सिकंदर लोधी वहाँ पे रूल करने लगा उसकी डेथ के बाद। सिकंदर लोधी जो लोधी डायनेस्टी है उसका सबसे पावरफुल जो रूलर वो सिकंदर लोधी हुआ। उसके बाद उसने जो फर्स्ट काम किया वो ये था कि उसने जो अपनी जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर दी, कहाँ पे? दिल्ली टू आगरा। जो पहले जो तुगलकों के टाइम में भी जो दिल्ली थी वो कैपिटल रही थी, आगे जो सैयद थे उन्होंने भी दिल्ली को ही अपने कैपिटल बनाए रखा, लेकिन जब सिकंदर लोधी जब रूलर बना, वो सुल्तान बना, तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी जो राजधानी है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया। उसने आगरा के समीप एक सिकंदराबाद नामक जो शहर है, सिकंदराबाद नामक एक न्यू सिटी बसाई और वहाँ पर ही वो रह कर रूल करने लगा और अपनी जो कैपिटल है उसको भी वह दिल्ली से आगरा ले कर चला गया। अगला इसके बाद हमारा जो सिकंदर लोधी के बाद जो अगला सुल्तान जो लोधी वंश की गद्दी पर बैठा वो था इब्राहिम लोधी। आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदर लोधी हैज सन इब्राहिम लोधी। तो जो सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी लोधी वंश की जो गद्दी है उसका रूल, उसका सुल्तान बना। कहते हैं मतलब जब सिकंदर लोधी की डेथ हो गई थी तो उसका बेटा इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। जो इब्राहिम लोधी का जो अंकल था, मतलब जो चाचा था, दौलत खान, हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब। तो जो पंजाब का जो उस टाइम में जो इब्राहिम लोधी था उसका अंकल था दौलत खान और वो पंजाब का गवर्नर था। तो उसने ही और वो पंजाब का गवर्नर था जो ये जो दौलत खान था वह लोधी
जो इब्राहिम लोदी था उसके खिलाफ था, मतलब उसको वो राज से हटाना चाहता था और खुद लोदी वंश का शासक बनना चाहता था। तो उसने क्या किया, जो बाबर है उसको इनवाइट किया दिल्ली, मतलब इनवाइट किया भारत पर आक्रमण करने के लिए, और बाबर से ये भी कहा कि अगर तुम इंडिया में आक्रमण करोगे, इंडिया में अटैक करोगे, तो दौलत खां, मतलब वो खुद उसकी मदद करेगा अपने भतीजे के खिलाफ। जो दौलत खां था उसने बाबर को इनवाइट किया कि भाई तुम आओ और जब तुम भारत पर आक्रमण करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इब्राहिम लोदी की, मतलब इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट जाके मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो क्या हुआ कि जो बाबर है वह अपनी सेना के साथ इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करने आ गया। कौन सी जगह पे? पानीपत पे। जो पानीपत में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोदी की, मतलब अपनी सेना को लेकर पानीपत नामक जगह पे आ गया इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। और फिर क्या था, जब बाबर की सहायता की इब्राहिम लोदी के अंकल ने, दौलत खां ने, तो दौलत खां ने और बाबर ने मिल के ही जो ये था इब्राहिम लोदी था उसको हरा दिया, और इसी के साथ ही जो लोदी डायनेस्टी है उसका अंत हो गया। उसके बाद दिल्ली में एक अलग से ही एक, मतलब दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, और वहाँ पे उसकी जगह एक अलग से डायनेस्टी, एक अलग से एम्पायर हुआ, मुगल डायनेस्टी की स्थापना की बाबर ने इंडिया में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया, और उसके बाद में उसने यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना की, मुगल एम्पायर की स्थापना की। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से दौलत खां ने एक, मतलब दौलत खां ने अपने भतीजे के अगेंस्ट एक दूसरे जो स्टेट्स बोलेंगे, दूसरे देश के जो बाबर था, अफगानी था बाबर, उसको इनवाइट किया कि तुम आओ और इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करो, और तुम जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी उसके, मतलब हेल्प करूंगा इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट जाके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दौलत खां की वजह से ही इब्राहिम लोदी हार गया, क्योंकि उसने दौलत खां का साथ दिया था, सॉरी बाबर का साथ दिया था दौलत खां ने। तो इब्राहिम लोदी डायनेस्टी का अंतिम जो लास्ट रूलर बोलेंगे वो है इब्राहिम लोदी। इसके बाद इब्राहिम लोदी जो 1526 में जो पहला पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, उस पहला पानीपत का युद्ध के साथ लोदी डायनेस्टी का अंत हो गया और एक अलग से डायनेस्टी की स्थापना हुई, मुगल डायनेस्टी, या फिर बोलेंगे मुगल एम्पायर। तो आज हमने पढ़ा है लोदी डायनेस्टी, जो लोदी डायनेस्टी दिल्ली डायनेस्टी की पांचवी डायनेस्टी है, उसकी स्थापना की थी, उसकी जो फाउंडर था वो था बहलोल लोदी, वाज द फाउंडर ऑफ द लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोदी। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी जो है गद्दी पर बैठा, और जो सिकंदर लोदी है वो लोदी डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा हुआ है। उसने सिकंदराबाद नामक अपने ही नाम पे सिकंदराबाद नामक शहर की स्थापना की, और दिल्ली को, मतलब जो अपनी राजधानी थी उसको दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया। उसके बाद जो सिकंदर लोदी है, उसके बाद सिकंदर लोदी का बेटा लोदी वंश की डायनेस्टी, जो लोदी वंश है उसका अगला रूलर बना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर हुआ था। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत थी, जो लोदी डायनेस्टी थी, उसका अंत हो गया था, उसका एंडिंग हो गई थी, और एक अलग से डायनेस्टी की, बाबर ने एक अलग से डायनेस्टी की स्थापना की थी, मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर। आज के लिए इतना ही। इस वाले लेसन, ये बहुत ही लंबा लेसन चलाया आपका, कई पार्ट्स हुए हैं आपके इसमें, तो आपको सारे जितने भी इसमें जो डायनेस्टी थी उन डायनेस्टी को याद करना है कि उस डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था। मैंने हर डायनेस्टी के साथ ही उसका टाइम पीरियड लिखा है, जैसे ये डायनेस्टी है इसका, जो इससे पहले सैयद डायनेस्टी थी उसका भी टाइम पीरियड लिखा था। तीसरी डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी, जो दूसरी थी वो थी खिलजी डायनेस्टी, और सबसे पहली दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी वो थी द स्लेव डायनेस्टी। तो ये पांच डायनेस्टी हुई है, अलग अलग टाइम पीरियड पे इन्होंने इंडिया में रूल किया है, दिल्ली सल्तनत में रूल किया है। जो पांचवी डायनेस्टी, जो पहली डायनेस्टी थी वो थी द स्लेव डायनेस्टी,
दूसरी द खिलजी डायनेस्टी, तीसरी जा तुगलक डायनेस्टी, चौथी सैयद डायनेस्टी और पांचवी है हमारी लोदी डायनेस्टी। तो ये सारे डायनेस्टी है जिनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। बेटा आपको जितने भी ये सारे रूलर हुए हैं आपके बुक्स में केवल मेन मेन रूलर ही के ही नाम दिए गए हैं, तो आपको रूलर ये पता हुआ होना चाहिए कि कौन सा रूलर किस डायनेस्टी से है। और ये डायनेस्टी है फिफ्थ से। तो आज हम इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। अगले फिफ्थ लेसन में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।